हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट एन इक्वल टू 4 टू एन इक्वल टू 3 इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट्स इन अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द ट्रांजिशन। ऑप्शन ए 2 to 1, ऑप्शन बी 3 to 2, ऑप्शन सी 4 to 2, ऑप्शन डी 5 to 4। सो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, की कंसेप्ट ये है एमिशन स्पेक्ट्रा। सो हमें ये पता है कि जैसे सीरीज लिख लेते हैं, लाइमन हो गया, फिर बाल्मर हो गया, बाल्मर सीरीज, फिर पाश्चन सीरीज होता है एक, सो लाइवन में यूवी रेस, बाल्मर में वीआर हो गया, एंड पास्चर में इसमें आईआर हो गया। एंड ये एनर्जी जैसे जैसे नीचे जाएंगे एनर्जी डिक्रीज होती है। सो हमें इंफ्रारेड आईआर के लिए पूछा है, तो आईआर में एनर्जी सबसे कम होगी। सो हम ऐसा करते हैं, लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक हो गया, दूसरा लाइन हो गया, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। नेमिंग भी कर देते हैं, ये एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, ये एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4 एंड एन इक्वल टू 5। अब हमें क्या क्या ट्रांजिशन दिया हुआ है इसको पहले देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 2 से 1, उसके बाद बी में हमें दिया हुआ है 3 से 2, फिर सी में दिया हुआ है 4 से 2, 5 में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है 5 से 4। सो यहां से हमें ये दिख रहा है कि जो 5 n = 5 to n = 4 वाला जो है उसमें एनर्जी सबसे कम है। एनर्जी बैंड गैप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, तो इस डायरेक्शन में एनर्जी बैंड गैप जो है वो डिक्रीज होगी। एनर्जी गैप जैसे हम ऊपर जाएंगे एनर्जी लेवल्स पे डिक्रीज होगी। सो डी में सबसे कम है, सो ये आईआर वाला रीजन हो जाएगा, आईआर ट्रांजिशन। सो ऑप्शन डी 5 to 4 इट इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।